इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं सौरभ शर्मा। बड़ी मीटिंग्स की बात तो सब करते हैं, मगर कल सबसे इंपॉर्टेंट तीन मीटिंग्स होंगी और इस वक्त भी मोदी और उनकी पूरी टीम कल होने वाली इन तीनों बैठकों का पूरा होमवर्क कर रही है। प्रधानमंत्री की बैक टू बैक तीन मीटिंग्स हैं, पहली सुबह 9 बजे, दूसरी 10 बजे और तीसरी मीटिंग दोपहर 12:30 बजे। 3.5 घंटे की इन तीन अलग अलग मैराथन मीटिंग से प्रधानमंत्री देश को रास्ता दिखाएंगे। पूरी कोशिश यह है कि अगले 48 घंटे में देश में चल रहा ऑक्सीजन क्राइसिस पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। इस वक्त हालात बहुत बिकराल हैं, चैलेंज बहुत बड़े हैं, देश के अस्पतालों की हालत खराब है। एक अस्पताल में ऑक्सीजन कम होने की खबर आती नहीं कि दूसरे अस्पताल से भी ऐसी खबर आने लगती है। कल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ बैठेंगे और इस ऑक्सीजन क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कितना होमवर्क हो चुका है और मोदी का कल का प्लान क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सांस ना उखड़े इसलिए मोदी को एक्शन में आना पड़ा, हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला, रेल मंत्री पीयूष गोयल को बुलाया। मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी थे, फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी थी, पेट्रोलियम एंड नेचर गैस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सचिव थे, विदेश सचिव थे, एनडीएमए से जुड़े लोग थे और गृह मंत्रालय के सचिव थे। मीटिंग में शामिल 6 मंत्रालयों से जुड़े लोग और बाकी अहम किरदार। मोदी के ऑक्सीजन की सप्लाई और अवेलेबिलिटी वाले मिशन से सीधे तौर से कनेक्टेड है। इस अहम बैठक में मोदी को देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई चेन और उसकी उपलब्धता को लेकर जरूरी ब्रीफिंग्स दी गई। हर मंत्रालय ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और इसके बाद मोदी ने इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में सबको कुछ जरूरी और अर्जेंट टास्क दिए। वो टास्क क्या है पहले ये समझिए। मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की पूरी डिटेल ली। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी लाई जाए। मोदी ने कई पहलुओं पर तेजी से काम करने की जरूरत पर जोर दिया। ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना हो, सप्लाई की रफ्तार तेज करनी हो और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन देने के लिए नए तरीकों का उपयोग करना हो, मोदी ने हर तरीके से जरूरतमंदों को सुविधा देने की बात कही। इसके अलावा राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बिना किसी रोक टोक के हो, इसके लिए मोदी ने स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर सप्लाई जल्द से जल्द कराई जाने की बात कही। राज्यों को ऑक्सीजन का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही साथ पीएम ने यह भी कहा कि राज्यों को ऑक्सीजन की जमाखोरी को कड़ाई से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मोदी के प्लान ऑफ एक्शन में कोताही की कोई जगह नहीं है। देश की सांस न रुके इसलिए रात के अंधेरे में भी सड़क मार्ग से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक एक सांस बचाने के लिए संघर्ष नॉन स्टॉप जारी है। दिन के उजाले में रेल मार्ग से भी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तेज रफ्तार से ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें गवाह हैं, मगर अब इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री ने गुरुवार की हाई लेवल मीटिंग में यही बात कही। मोदी के मैसेज पर कौन सा मंत्रालय क्या कर रहा है, कितनी तेजी से काम कर रहा है, ये देखने से पहले मीटिंग के कुछ अहम पॉइंटर्स देखिए, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में मोदी के तेवर बहुत सख्त थे। इस अहम मीटिंग में मोदी का सबसे बड़ा फोकस था कम से कम समय में देश के हर हिस्से में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे पहुंचाई जाए। इसके लिए मोदी ने हर राज्य में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए स्पीड बढ़ाने और तेजी से ट्रांसपोर्टेशन का ऑर्डर दिया। मोदी ने इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री पीयूष गोयल को सौंप रखी है। फिलहाल ऑक्सीजन की जल्द से जल्द सप्लाई के लिए भारतीय रेलवे वॉर फुटिंग पर काम कर रही है। टैंकर्स के रैपिड और नॉन स्टॉप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए इंडियन रेलवे की ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वाला टैंकर लेकर विशाखापट्टनम से मुंबई पहुंचने वाली है। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने लखनऊ से बोकारो वाया वाराणसी होते हुए अपना रास्ता पकड़ लिया है ताकि यूपी की उखड़ती सांस बचाई जा सके। ट्रेन की स्विफ्ट मूवमेंट के लिए लखनऊ और वाराणसी के बीच एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 270 किलोमीटर की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे 20 मिनट में तय की गई। ट्रकों के मुकाबले ट्रेन से लंबी दूरी तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तेजी से हो सकता है क्योंकि ट्रेन 24 घंटे चल सकती है, ट्रक नहीं।
मगर लोगों की सांस लेकर आने वाली ट्रेन की जर्नी भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पहले ट्रेन खाली टैंकर्स लेकर लोकेशन से निकलती हैं, दूसरी लोकेशन पर पहुंचती हैं, फिर उसी लोकेशन पर उन खाली टैंकर्स में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भरी जाती है और उसके बाद वही ट्रेन ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स लेकर अपने पहले लोकेशन पर पहुंचती है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसे कम करने के लिए और ऑक्सीजन की सप्लाई को वन वे जर्नी बनाने के लिए मोदी ने एयरफोर्स उतार दी है। अब खाली टैंकर्स को एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन सप्लायर्स तक पहुंचाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि ट्रेन को मुंबई से विशाखापत्तनम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे विशाखापत्तनम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वक्त देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो क्राइसिस आई है उसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि मौजूदा वक्त में देश के 3 राज्य आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के पास खपत से ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन इन तीनों लोकेशन की सबसे बड़ी समस्या है वहां से ट्रांसपोर्ट करके ऑक्सीजन को मुंबई या यूपी तक पहुंचाना। मगर इंडियन रेलवे अब इस चैलेंज को हेड ऑन ले रही है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी का ऑर्डर आ गया है, अब गाड़ियां नहीं रुकेंगी, ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द से जल्द होकर रहेगी। मोदी ने इस मीटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात भी कही, मगर मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ साथ दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सांसों के नाम पर हो रही पॉलिटिक्स भी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं, हरियाणा के सीएम दिल्ली पर आरोप लगा रहे हैं और इस तूतू मैमे के बीच कीमती वक्त जाया हो रहा है। 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया, 177 मेट्रिक टन उठ पाया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में। आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की तरह तरह मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। वहां की सरकारें, वहां के अधिकारी, वहां की पुलिस वहां के ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन निकलने नहीं दे रही है। यहां से जा रहा था फरीदाबाद, दिल्ली के क्रॉस करते हुए तो दिल्ली में उस ट्रक को रोक लिया गया और वहां से उसकी गैस निकाल दी गई। तो ये टेंशन के दो मुद्दे बने। उसके बाद फिर एक स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, हम पहले पानीपत से हरियाणा की पूरी करेंगे और जहां जहां जिस प्रांत में जो जो है वो करें। इससे घबराहटोरी मच गई क्योंकि आवश्यकता और प्रोडक्शन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। कहीं प्रोडक्शन ज्यादा है तो कहीं आवश्यकता ज्यादा है। अभी केजरीवाल का फोन आया था, वो धन्यवाद कर रहे थे कि कल शाम के बाद उनकी कोशिश सारी ठीक हो गई है, कि आगे भी ठीक मेंटेन रहा है, जो सिस्टम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, पॉलिटिक्स पर विराम लगाने के लिए मोदी की हाई लेवल मीटिंग से गृह मंत्रालय को डायरेक्ट मैसेज गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गृह मंत्रालय तुरंत एक्शन में आया और राज्यों को ना सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया बल्कि राज्यों के बीच ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई पाबंदी ना लगे ये भी तय करने को कहा। मैसेज क्लियर है, मेडिकल ऑक्सीजन की मूवमेंट को कोई राज्य रोक नहीं सकता, फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य ही क्यों ना हो। कोई भी राज्य सप्लायर पर यह कहकर दबाव नहीं बना सकता कि आपकी फैक्ट्री जिस इलाके में है पहले वहां ऑक्सीजन दो। देश के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन की गाड़ियों की आवाजाही की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होगी, 24/7 मूवमेंट होगा। सिर्फ 9 तरह की इंडस्ट्री को ऑक्सीजन के इस्तेमाल की छूट है। इसके अलावा पूरी ऑक्सीजन हॉस्पिटल को दी जाएगी। डीएम और एसपी की जिम्मेदारी होगी कि वो गृह मंत्रालय का यह आदेश लागू कराएं। मोदी की हाई लेवल मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे। मोदी के नेक्स्ट प्लान के तहत इनकी जिम्मेदारी होगी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य सचिवों को साथ लेकर पूरे कोऑर्डिनेशन से मौजूदा संकट पर काबू पाना। फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ये मेक श्योर करेंगी कि देश के बिगड़ते हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसलिए जिन भी दवाओं या इंजेक्शन की किल्लत हो रही है सबको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए। मोदी ने सबका टास्क फिक्स कर दिया है और वो इस लड़ाई को खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं। गुरुवार को ऑक्सीजन की आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए मोदी ने खुद कमान संभाली, ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए 3 जरूरी उपाय भी बताए, मगर मोदी का नेक्स्ट बिग स्टेप अब से कुछ घंटों के बाद होगा।
प्रधानमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मोदी ने शुक्रवार को बंगाल में होने वाली सारी चुनावी सभाएं रद्द कर दी हैं, क्योंकि इस वक्त मोदी का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों की जान बचाने पर है, और इसके लिए मोदी 3 बड़ी मीटिंग्स करने वाले हैं। शुक्रवार सुबह 9 बजे मोदी कोरोना के बढ़ते केसेस को रिव्यू करने के लिए एक इंटरनल मीटिंग करेंगे। सुबह 10 बजे मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीधी बात करेंगे जहां कोरोना का कहर टूटा है, और दोपहर 12 बजे मोदी देश के सभी बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठक करेंगे। मैसेज क्लियर है, मोदी ने अब इस लड़ाई को खुद लड़ने का फैसला कर लिया है। वो एक कप्तान के तौर पर टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं और कोरोना पर जीत हासिल करके रहेंगे। ये संकट कितना बड़ा है, क्राइसिस कितना गहरा है, इस वक्त भी अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। पैनिक का स्तर क्या है, इसके लिए आपको अस्पताल चलाने वालों की बात सुननी चाहिए। कुछ जगह लगा कि चंद घंटों में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, कुछ जगह सिर्फ 40 मिनट की ऑक्सीजन थी। आप इन लोगों की बातें सुनिए, आपको पता चलेगा कि इस वक्त जमीन पर हालत क्या है। दिल्ली का बालाजी एक्शन हॉस्पिटल, 220 कोरोना के मरीज, 80 मरीज इस वक्त ऑक्सीजन पर हैं। अस्पताल में अगले 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। सर, हमारे पास 2 या 3 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में हमारे पास बहुत क्रिटिकल लेवल आ गया है। हमारे पास 81 पेशेंट्स आईसीयू में हैं जो वेंटिलेटर पे या हाई फ्लो ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, और हमें इस टाइम ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। मंडे शाम को भी हमारे पास सप्लाई का सुबह से आईनॉक्स वालों को बोला हुआ था, रात को 10 बजे इमरजेंसी पोजीशन हो गई थी, तो लास्ट मिनट पर हमें ऑक्सीजन मिली। ये 4:30 बजे की सिचुएशन है। बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के बाद नोएडा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कैलाश अस्पताल, वक्त 4:45 बजे, यहां 5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। नए मरीजों का एडमिशन बंद हो गया है। देखिए, हमारे पास इस टाइम करीब 450 मरीज हैं जो एडमिट है। हमने अपने आप को स्ट्रेच किया, बेड बढ़ाए, दवाइयां मंगाई अपने डॉक्टरों को, हम डबल ड्यूटी करा रहे हैं, पूरी रात से हम लगे हुए हैं आज ऑक्सीजन के पीछे। हमारे इस नोएडा हॉस्पिटल में मुश्किल से 4-5 घंटे की ऑक्सीजन बची है, हम लोग को समझ नहीं आ रही है। इस टाइम हम यही मीटिंग कर रहे थे कि हम करें क्या आगे। पूरे देश में ऑक्सीजन की SOS कॉल हो रही है, ये इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई की कॉल है। हर अस्पताल फोन कर रहा है, सिर्फ 1 या 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। जहां से ऑक्सीजन आनी है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, जहां से ऑक्सीजन सप्लाई रास्ते में है उसे पहुंचने में कई घंटे लग जाएंगे। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल में जब 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी और वहां 100 से ज्यादा मरीज गंभीर हालत में है, तब वहां के CEO ने क्या कहा, बहुत गौर से सुनिएगा। As a doctor, we as a hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? The patient comes to the patient will die. Patient will die. They are trying to help, but there is no oxygen, sir. There is no oxygen. We know this. We know, everybody knows it. Even government is trying to help us. But ultimately, oxygen is to be generated and to supply. My friends in the group, they have requested, they have spread a message ki shantim kan distress mein unko do do cylinder sab de do inko. I am getting phone calls ki aap bhejiye, hum do cylinder dete hain aapko. But wo do cylinder kitne nahi chalenge mere paas. Aspatal ke andar doctor pareshan, अस्पताल के बाहर मरीजों के घर वाले बेचैन हैं। दवाई के लिए चक्कर कटवाओ, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा, एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस। अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है, क्या हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए। हम तो डॉक्टर के सहारे पे चल रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। तो न्यूज आती है, फलाने का फलाना मर गया, फलाने का फलाना मर गया, इस कॉन्स्टेंट फेयर में, कॉन्स्टेंट फेयर में। वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा, हो जाएगा यार, अरे कम से कम सुविधा मुहैया करा दो आप लोग। कोरोना ही होगा ना, क्या हो गया, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है, ऑक्सीजन क्या चीज होती है, ऑक्सीजन नहीं है। सरकार के पास 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने।
ऑक्सीजन मीटर की सुई जीरो पर पहुंचने वाली है। अस्पतालों से ऑक्सीजन खत्म हो रही है। पैनिक बहुत ज्यादा है। हजारों मरीज आईसीयू बेड पर हैं। ऑक्सीजन कब खत्म हो जाएगी, सांसें कब थम जाएंगी, बहुत डराने वाले सवाल हैं और इसका जवाब आम लोगों को नहीं मिल रहा है। मैम उन्हीं राम में किसी भी हॉस्पिटल को बता दो ना, आप मुझे ट्विटर पे लिखते हैं पूरे हॉस्पिटल में जाकर घूमते फिरे, संत प्रबंधन में नहीं ले रहे, तीरथ राम में नहीं ले रहे, दिल्ली ऐप बना देते हॉस्पिटल को रात भर फोन करके ना, किसी हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर रहा हूँ, फोन उठा ले, फोन भी उठा के रखिए। ऐसे हालात कई अस्पतालों के बाहर हैं और ये सिर्फ दिल्ली या नोएडा नहीं बल्कि मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर, कानपुर, हर जगह से ऑक्सीजन क्राइसिस की ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है। सब कुछ कम पड़ रहा है, लड़ाई मिनट टू मिनट चल रही है। लखनऊ में बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई और ख़ासतौर से जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें बहुत सारे अस्पतालों में लिखकर चिपका दिया गया कि ऑक्सीजन नहीं है। मरीजों को कह दिया गया कि ऑक्सीजन सिर्फ 2 घंटे की बची है, आप अपने मरीज को घर ले जाइए। आप थोड़ा सा बताएंगे क्या दिक्कत हो रही है आपको? मैम मैं अपनी मदर को बेड दिलाने के लिए खड़ा हुआ, मैम अभी ये साइन करेंगे तब मैं एम्बुलेंस ढूंढूंगा, फिर उनको लेके आऊंगा उस अस्पताल तक, पता नहीं क्या होगा मैम, देर पे देर होती चली जा रही है, समय बीतता जा रहा है। मैम मेरी मदर एडमिट है, उनका सैचुरेशन गिनता जा रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कम अवेलेबिलिटी है मैम। मैम हिंद मेडिकल कॉलेज में मैम, मैम दिन भर में 24 घंटे में दो बार सिलेंडर मिला है और वो अभी जो सिलेंडर मिला है वो भी लीक कर रहा है मैम। 50 पॉइंट गैस बची है मैम। जो मेरे बगल में वेंटिलेटर पे आंटी है उनकी गैस खत्म हो गई है, उनके घर वाले रो रहे हैं, उनके जब पहले उनको मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट किसी को तो कुछ नहीं मिल रहा है मैम। बहुत बुरी स्थिति है। अगर एक छोटी सी गाड़ी में 20-50 सिलेंडर आते हैं, 1000 बेड की कैपेसिटी या कम से कम कुछ नहीं तो 200 बेड की कैपेसिटी, जहां पे इतने बुरे हालात चल रहे हैं शहर में, क्या उसमें 100 लोग या 50 लोग ऐसे नहीं होंगे जिनको परमानेंट ऑक्सीजन की जरूरत होगी? शाम 5 बजे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी। मनीष सिसोदिया के इस लेटर को देखिए, साफ साफ हर पैरा में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली को जरूरत भर की ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और इसमें कुछ राज्य रुकावट बन रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जंगल राज के हालात बनाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने उन तमाम अस्पतालों की लिस्ट जारी की है जहां ऑक्सीजन सप्लाई के कुछ ही घंटे बाकी हैं। लिस्ट में होली फैमिली हॉस्पिटल 2.5 घंटे ऑक्सीजन बची है, राठी अस्पताल ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, शांति मुकुंद अस्पताल ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। लिस्ट में और भी बहुत से अस्पतालों के नाम हैं। जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस संस्था जो 4 यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ विलेज स्टेडियम, सहनाई बाग और रोज एवेन्यू, सारे जगह पे शॉर्टेज है और बाकी दूसरे सेंटर्स पे भी शॉर्टेज है। एंड मैं यहाँ नई बात जो मैं बताऊंगा कि ऑक्सीजन ही नहीं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर से जो कनेक्ट होता है वो कनेक्टर के साथ वो ट्यूबिंग, पाइप, ह्यूमिडिफायर, वो सारे चीज की जरूरत है। रोहिणी के सरोज हॉस्पिटल ने सुबह 10 बजे ऑक्सीजन खत्म होने का अलार्म बजा दिया था, तब सिर्फ 1 से 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। इस वक्त हमें रोहिणी के सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और यहां पर देख सकते हैं ये ऑक्सीजन टैंकर है। हमारा जो टैंक है इसकी कैपेसिटी है 5 KL, मतलब 5000 लीटर इसकी कैपेसिटी है और अब इस टाइम पे इसमें बिल्कुल जीरो हो चुका है इसका लेवल, और जो कि लाइन प्रेशर इक्वल हो चुका है 191 पे ये स्टेबल हो गया है और इसमें बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है टैंक, आगे सप्लाई हो नहीं सकती इससे, बिल्कुल खाली हो चुका है ये। तो हम अभी इसके बदले जो इसका बैकअप हमने अरेंजमेंट किया हुआ है वो बैकअप हमारा डी टाइप जो सिलेंडर हैं, सिलेंडर बड़े वाले सिलेंडर, हम उनसे पेशेंट को अभी बैकअप दे रहे हैं, जो कि मेरे पास बैकअप अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का बैकअप है। 1 घंटे का बैकअप है, 77 पेशेंट हैं जो कि क्रिटिकल, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। आप ये बताइए कि अगर 77 पेशेंट के लिए इमीडिएट ऑक्सीजन है तो कितनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए? अभी मेरे को कहीं से गाड़ी अरेंज हो जाए और मेरा जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के टैंक में अगर जो फिल हो जाए तो हम पूरी तरह से सरवाइव कर पाएंगे, बट अभी पीछे से ही पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, मेरे पास गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही हैं। जो ये मेरा सप्लायर है इनॉक्स के नाम से है, जो ये हमारी ग्रेटर नोएडा और मोदी नगर और भिवाड़ी में इनके प्लांट हैं, बट वहाँ से कहीं से
भी अभी सप्लाई नहीं मिल पा रही है हमें और बिल्कुल ये खाली हो चुका है। बगैर ऑक्सीजन के पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जी, और मेन ऑक्सीजन के ऊपर ही पेशेंट सर्वाइव कर पाएंगे जी। एट प्रेजेंट 120 पेशेंट्स है जो कोरोना के हैं, और ये पेशेंट में 70 पेशेंट क्रिटिकल पेशेंट्स है, जो आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं उसमें भारी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हाई फ्लो पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स हमारे वेंटिलेटर पे है, कुछ एनआईवी सपोर्ट पे है, तो और ऑक्सीजन की अभी हमारे पास बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, क्राइसिस हो रखा है ऑक्सीजन का, और ये सारे पेशेंट सिक है जिनको ऑक्सीजन की नीड है, ऑक्सीजन के बिना इनका सर्वाइवल मुश्किल है। 5000 लीटर की क्षमता वाला ये सिलेंडर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है, लेकिन राजेश के मुताबिक 1 घंटे का सिर्फ इसमें ऑक्सीजन बचा है, हालांकि छोटे सिलेंडर के सपोर्ट से फिलहाल यहां पर पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र में मेडिकल ग्रेड की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनती है, गुजरात दूसरे नंबर पर है, लेकिन दोनों ही राज्यों में ऑक्सीजन डिमांड पीक पर पहुंच गई है। मुंबई और आसपास के शहरों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमें वसई इलाके के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में, जहां पर प्रतिदिन 700 से 1000 तक सिलेंडर्स को जो है रिफिल किया जाता है, वसई, नाला सोपारा, नायगांव, विरार, थाने, नवी मुंबई, साथ ही में मुंबई के कई इलाकों से जो लोग हैं, जो अस्पताल हैं, वो अपने सिलेंडर्स को यहाँ पर लेकर आते हैं। खाली सिलेंडर यहाँ पर आता है, उनमें ऑक्सीजन भरा जाता है, और फिर इन ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर्स को लेकर अलग अलग गाड़ियाँ अस्पतालों की तरफ रुख करती है। 24 घंटा यहाँ पर काम चलता है। यहाँ के जो इंचार्ज है उनका कहना है कि पहले ऐसा नहीं था, कोविड के पहले काम बेहद कम होता था, बहुत कम गाड़ियाँ आती थी, कम 8 से 10 घंटे ही काम चलता था, लेकिन जब से कोरोना के मामले बढ़े हैं और जब से ऑक्सीजन की भारी कमी हुई है, तभी से ही काम का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो मजदूर है वो लगातार काम कर रहे हैं। एमटी छोटे सिलेंडर हो या बड़े सिलेंडर हो या ड्यूरा सिलेंडर्स हो, उन्हें यहाँ पर लाते हैं, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उन सिलेंडर्स को जो है भरने का काम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर खाली सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरा जा रहा है। इस गाड़ी में फिलहाल कितने सिलेंडर्स हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं विनायक हॉस्पिटल में, इसमें 50-60 सिलेंडर है इसके अंदर। अच्छा, ये रोज़ाना कितना ट्रिप आपका हो जाता है और हर ट्रिप में कितना ले जाते हैं? हर ट्रिप में हम लोग 50-60-70 जैसा यहाँ से भर के मिलता है हम लोग को, फटाफट हम लोग रुकते नहीं, हम लोग फटाफट जाके डिलीवरी देना पड़ता है हम लोग को। कितना कितना ट्रिप हो जाता है आपका? हम लोग दिन में हो जाता है 6-7 ट्रिप होता है, फिर नाइट में भी चलाते हम लोग गाड़ी। अच्छा, डे नाइट करते हम लोग। अच्छा, ये क्या आप हमेशा से इतना दबाव था या अभी जब से कोरोना आया जब से हुआ उतना? अच्छा, तो क्या ऑक्सीजन मिल पा रहा है या फिर आपको ऑक्सीजन के लिए भी काफ़ी भटकना पड़ता है? नहीं, अभी तो फिलहाल तो मिल रहा है, कभी कभी टैंकर नहीं आता है तो रुकना पड़ता है, बाकी मिलता है तो हम लोग फटाफट डिलीवरी देते हैं। और ये फिर ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये किसी एक अस्पताल के लिए या कई सारे अस्पताल के? ये सब नाला सुपर है, विरार सब हॉस्पिटल के लिए है। कुल मिलाकर यहाँ के लोगों कहना है कि जो भी यहाँ पर व्यक्ति आते हैं उन्हें ऑक्सीजन देने की पूरी कोशिश इनके तरफ से होती है, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर आता है वो खाली हाथ न लौटे, इस तरह की कोशिश इनके द्वारा की जाती है। लंबे समय से जो है ऑक्सीजन की भारी मांग चल रही थी, उसी के बाद ये जो सेंटर है सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरा है, जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर प्रतिदिन ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। ये जो सेकेंड वेव हिंदुस्तान में आई है, इससे पहले वो अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में आ चुकी है। अमेरिका ने ऑक्सीजन क्राइसिस को कैसे सॉल्व किया, ब्रिटेन ने इस प्रॉब्लम का मुकाबला कैसे किया, इजराइल ने कोरोना को कैसे हराया, हमने ऑक्सीजन क्राइसिस पर यह इंटरनेशनल रिपोर्ट तैयार की है। एक दिन में 3 लाख केस देख लिए, रोज 2000 से ज्यादा मौत हो रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत है, और अब आगे क्या होने वाला है ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव में अब तक जो देखा है वो बेहद खौफनाक और दर्दनाक है, लेकिन अभी बहुत कुछ छोना बाकी है, जिसकी तैयारी सरकार, सिस्टम और पब्लिक तीनों को इसी वक्त से करनी है। कोरोना के सेकंड वेव का पीक अभी आना बाकी है, अभी कोरोना ग्राफ ऐसे ही तेजी से भागेगा, अगले 30 दिन पूरे देश के लिए बहुत बहुत सावधानी वाले हैं। वरना ऐसा नहीं है कि हर एक कोविड पेशेंट के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो ये गलतफहमी के लिए ही एक बड़ा सा जो आर्टिफिशियल क्राइसिस हो रहा है, ऑक्सीजन मिलना जरूरी है,
हाँ जरूरी है इस पर्टिकुलर कोविड जो फेज टू जो कोविड है इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बट दैट इज ओनली फॉर अबाउट 5-7 to 10% ऑफ द पेशेंट्स के लिए। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारे टारगेट में अगर 92-96% अगर PCO2 का सेचुरेशन हो जाए तो दैट इज बी सफिशियंट, उससे ज्यादा सेचुरेशन ना भी होने से भी चल जाएगा। लेकिन अगर उससे नीचे सेचुरेशन आ गया तो फिर ऑक्सीजन थेरेपी इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, जो अभी काफी यहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर जो चर्चा हो रही है, तो इस बात का वेरी क्लियर हो जाना चाहिए कि सबको ऑक्सीजन की एक्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली अबाउट 10% ऑफ द पेशेंट्स के है। भारत में 22 मार्च से कोरोना बेकाबू होना शुरू हुआ। 22 मार्च तक देश में 3,47,071 कोरोना एक्टिव केस थे। 21 अप्रैल तक एक्टिव केस 22,90,728 पर पहुंच गए, यानी एक महीने में 19,43,657 एक्टिव केस बढ़ गए। वायरस ने अपना रूप बदल लिया है, ये एक बहरूपिया वायरस है आसान भाषा में, जिसको हम मेडिकली म्यूटेशन कहते हैं, और म्यूटेशन प्रूवन है। मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, B.1.617 का म्यूटेशन, जिसको आजकल हम लोग इंडियन वर्जन भी कहने लगे, थर्ड म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, और हमने E.484Q और L.4542 दो म्यूटेशन हमने बिल्कुल प्रूव करके अक्टूबर के आसपास बता दिया था कि ये म्यूटेशन हो रहा है। गवर्नमेंट ने इस पे एक कमेटी बनाई थी, इंसाकॉक जिसको कहते हैं, और वो इसके जेनेटिक यानी के जीनोमिक म्यूटेशंस को स्टडी कर रही है, और वो बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करेगी। बीच में चूंकि कोरोना कम हो गया था, 400 केस रह गए थे, आपने देखा होगा दिल्ली में, तो उसमें कुछ थोड़ी सी सुस्ती आई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब हम इसका जैसे जैसे ये रूप बदल रहा है, हम इसके पीछे भागेंगे और उसको पकड़ के रखेंगे। दूसरी, इसमें जो ज्यादा केसेस होने की वजह, जैसे मैंने अभी बताया, एडल्ट्स में, बच्चों में ये म्यूटेटेड वायरस हमला कर रहा है और इसने अपने सिम्टम भी बदल दिए हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने हमला किया है, लेकिन दुनिया की टाइमलाइन में कोरोना की सेकेंड वेव भारत में देरी से आई है। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस, इन देशों में तबाही मचाने के बाद कोरोना 2.0 ने भारत में एंट्री की। कोरोना की सेकेंड वेव ने किस देश में कितनी तबाही मचाई और किस देश ने कैसे कोरोना के नए म्यूटेंट वायरस पर काबू पाया, आज हर एक हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। ये अमेरिका के लॉस एंजलिस की तस्वीरें हैं, जहां पर अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बरकरार रखने के लिए आर्मी तक को उतारना पड़ा। सड़क पर लाइन से खड़े ऑक्सीजन सिलेंडर और सिलेंडर भरवाने के लिए इंतजार में खड़ी ये जनता पेरू की है, जहां पर कोरोना की सेकेंड वेव में जबरदस्त ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ। ये तस्वीरें ब्राजील की हैं, जहां पर अस्पतालों में ना बेड बचे हैं और ना ही अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई हो पा रही है। ऐसे में लोग खुद अपना अपना सिलेंडर लिए खड़े हैं। ऐसा ही मंजर मैक्सिको का भी था, जहां पर भी कोरोना ने ऐसा वार किया कि सांस लेने के लिए लोग लड़ते तड़पते रहे। पुर्तगाल में भी यही हाल था, अस्पतालों में बेड नहीं बचे थे, जो भर्ती हो गए उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। हालात इतने बेकाबू हुए कि आर्मी की कैंटीन तक को अस्थाई कोविड सेंटर बनाना पड़ा। इंग्लैंड, केन्या, इजिप्ट, जहां जहां कोरोना की दूसरी लहर सुनामी लाई, वहां पर सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई। हर देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग तक शुरू हो गई थी। किस देश ने कैसे हालात संभाले, उसकी केस स्टडी। केस स्टडी नंबर 1, भारत में 22 अप्रैल को 3,00,000 कोरोना केसेस का रिकॉर्ड बना, लेकिन अमेरिका में 8 जनवरी को 3,00,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए थे। अमेरिका में कोरोना की दूसरी लहर नवंबर में शुरू हुई और फरवरी में जाकर कोरोना कंट्रोल में आना शुरू हुआ। अमेरिका के लॉस एंजलिस के 11 अस्पतालों में एकदम ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिससे निपटने के लिए आर्मी का सहारा लेना पड़ा। जैसा हाल लॉस एंजलिस में हुआ, उससे अमेरिका में जगह जगह से ऑक्सीजन की कमी की खबर आने लगी, जिसके बाद युद्ध स्तर में सारे प्रांत में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी गई। कुछ वक्त लगा, लेकिन हालात काबू में आने शुरू हो गए थे। केस स्टडी नंबर 2, फ्रांस। यूरोप में सबसे ज्यादा कोरोना ने नुकसान फ्रांस का किया है। कोरोना की सेकेंड वेव में फ्रांस में भी ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ था, लेकिन फ्रांस का हेल्थ सिस्टम बहुत मजबूत है, वो जल्दी इस समस्या से निकल भी गया। केस स्टडी नंबर 3, इजराइल। इजराइल में कोरोना ने पहले जबरदस्त अटैक सितंबर 2020 में किया था और दूसरी कोरोना लहर जनवरी में आई,
लेकिन बावजूद इसके अप्रैल में इसराइल मास्क फ्री हो गया। मतलब इसराइल में अब पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना अनिवार्य नहीं रहा, स्कूल भी खुल गए, जिंदगी एकदम नॉर्मल हो गई। अब समझिए ऐसा कैसे हुआ। इसराइल में 80% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, वहां कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान सरकार और जनता दोनों ने मिलकर रखा। अब समझिए भारत में क्या मुश्किल आ रही है और क्यों। भारत एक विकसित देश है और इसकी आबादी अमेरिका, रूस, ब्राजील, इंग्लैंड, पूरे यूरोप को मिला लीजिए उसके बराबर है। यानी साफ है संसाधन कम है, मेडिकल सिस्टम अमेरिका जैसे विकसित देशों के सामने कुछ नहीं है और 135 करोड़ लोगों की जान बचाने की दारी है। सरकार फुल एक्टिव मोड पर है, ऑक्सीजन की सप्लाई ट्रेन और प्लेन से की जा रही है। अगले 7 दिन आने वाले 30 दिन की रूपरेखा तय करेंगे, लेकिन अकेले सरकार के भरोसे बैठना फिर भी गलत होगा। मास्क जरूर पहनिए और बेवजह घरों से बाहर मत निकलिए। और इस वक्त महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी के जो कोरोना आंकड़े आए हैं वो सचमुच हिलाकर रख देने वाले हैं। किस राज्य में क्या हालात हैं जरूर देखिए एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।